लाइव हो गया। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? क्योंकि जो 12 बजे वाली क्लास थी, जैसा कि मैंने आपको फोटो भी भेजा था, मैं लाइव नहीं आ पाया। 1.5 से 2 घंटे तक हम लोग उसमें प्रयास करते रहे, सफल नहीं हो पाए। इस क्लास में भी अभी जो पॉलिटी की क्लास थी उसमें लाइव आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इनवैलिड की बार बार बता रहा था। तो हम लोग लास्ट ये प्रयास किया कि देखें कोई भी क्लास क्या चालू हो पा रही है कि नहीं। तो प्लीज़ मुझे एक बार बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर सुन पा रहे हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। अच्छा, सुन पा रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब हम लाइव आ चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ी बात है। ये न्यू बर्थ चरण स्पर्श से खुश रहिए भैया, खुश रहिए। ईश्वर आप सबको सफलता प्रदान करें। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सबको गुड इवनिंग, आप सबको गुड इवनिंग। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना परेशान हुआ हूँ 12 बजे से क्लास में आने के लिए, है ना। मैं टीम से बार बार कह रहा था कि किसी भी तरह से बस लाइव हो, हम लोग लाइव पहुँचना है हम लोगों को। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ सत्येंद्र जी, मैं ठीक हूँ। नमस्कार। तो एक बार सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर लीजिए, ताकि अपने आपके दोस्तों को पता चल जाए कि क्लास चालू हो चुकी है। कल का आप लोगों ने मैराथन देखा, क्या आपको कंटेंट मिला, क्या आपको गहराई मिली? मैं बार बार इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ करेंट अफेयर्स का मतलब नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ लो या न्यूज़पेपर में जो लिखा है वो पढ़ लीजिए। आप उसके अंदर तक जाइए, ताकि आप UPSC की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। और इसीलिए कल मैंने जितने भी टॉपिक करवाए थे अच्छे से करवाए थे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने उसके बाद मैसेज भी किया कि सर इस तरह का ही हम डिस्कशन चाहते हैं। आफ्ताब जी बोल रहे हैं, आदाब सर, आदाब सर, आदाब, आदाब आफ्ताब जी। पॉलिटी की क्लास, पॉलिटी की क्लास में लाइव नहीं आ पाया, 15 मिनट तक मैंने प्रयास किया। पॉलिटी की क्लास 9 बजे ले लेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा, ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई, तो हम लोग 9 बजे पॉलिटी क्लास ले लेंगे। अभी जो क्लास लाइव हो पाई है इसको इन्जॉय कीजिए, ये भी क्लास अल्टीमेट होगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। आप यहाँ से सीख कर जाएंगे, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, वैल्यूएबल कॉन्टेंट लेकर जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। हम लोग जुड़े हुए हैं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर एक साथ आपको पढ़ा रहे हैं। आज हमारे करंट अफेयर्स के इस पिटारे में जो टॉपिक हैं, हम बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के विषय में, समझेंगे चर्चा में क्यों बने हुए हैं, क्या होते हैं। फिर उसके बाद INS मर्मागांव के विषय में हम बात करेंगे। फिर एयर पोल्यूशन को लेकर एक रिपोर्ट आई है, इस पर हम बात करेंगे। और एक बिल के विषय में बात करेंगे। टॉपिक, पहला जो टॉपिक है इकोनॉमी का है, दूसरा डिफेंस का है, तीसरा टॉपिक एनवायरनमेंट का है, चौथा जो टॉपिक है यह एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का यह टॉपिक है। यह मेरे विषय में है, आप इसको देख सकते हैं, संक्षिप्त पेना परिचय है। यह मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की सूचनाएं मिल सकें और आप मुझसे जुड़ सकें। आपका मुझसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, आप लोग कई बार गलती कर देते हैं। जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, क्लास की सूचनाएँ PDF नोट्स प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए अनअकैडमी के कोर्स और सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पर देख सकते हैं भारी डिस्काउंट आ चुका है, बहुत भारी डिस्काउंट यहाँ पर अनअकैडमी के कोर्स और सब्सक्रिप्शन पर आपको देखने को मिल रहा है। क्या डिस्काउंट है कि इस समय अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको एक तो प्राइस एकदम कम प्राइस पे कोर्स मिल रहा है, और साथ ही साथ 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है, 3 मंथ्स का एक्सटेंशन। तो आप क्या कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है
तो यह मेरा एजुकेटर और रेफरल कोड है। इस एजुकेटर और रेफरल कोड का जितने ध्यान पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं कर लीजिए। इसी एजुकेटर और रेफरल कोड से आपको बहुत कम कीमत पर कोर्स मिल जाएगा और वह भी अधिक वैलिडिटी का। फॉर एग्जांपल, एक साल का कोर्स लेंगे तो आपको 3 मंथ्स का अपने आप फ्री में मिल जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कौन सा कोड यूज करते हैं। यह मेरा एजुकेटर और रेफरल कोड है, इसको जितना ध्यान से भैया देख पाते हो देख लो, बाद में बहुत पछताते हो। जैसा कि आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम पर जुड़े होंगे, और नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, देख लीजिए, वहाँ पर देखेंगे कि इस एजुकेटर कोड का प्रयोग करके जो बच्चे आते हैं उनकी जो जर्नी है काफ़ी शानदार होती है। हमेशा टच में रहोगे, हमेशा गाइडेंस प्राप्त करोगे। तो यही एजुकेटर और रेफरल कोड है जिससे आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा, ऑफर प्राप्त होगा, और साथ ही साथ आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस प्राप्त होगा। तो इस एजुकेटर और रेफरल कोड को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। क्या है एजुकेटर और रेफरल कोड? SUNILV, सुनील भी, सुनील भी, ठीक है। तो इसमें जो भी है इसको भी ध्यान रखिएगा, SUNILV। जब इस एजुकेटर और रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो है कि मेरा पर्सनल गाइडेंस और जो है कि सभी ऑफर मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0% EMI पर आपको क्या मिल रहा है, 0% EMI पर कोर्स उपलब्ध है। इसका मतलब कि आप मंथली बेसिस पर पे कर सकते हैं। तो जितना ध्यान से इसको देख सकते हैं देख लीजिए, SUNILV, ये मेरा एजुकेटर और रेफरल कोड है, इसी से आप क्या करेंगे, पर्सनल गाइडेंस प्राप्त करेंगे, ठीक है। चले अभी देखिए 6:30 से लेकर 7:30 पर मैपिंग की क्लास होगी हमारी, और 8:45 तक 45 मिनट की मेंस आंसर राइटिंग की क्लास होती है। जो बच्चे इस कोड का प्रयोग करके आते हैं उनको हम पहले से ही मेंस आंसर राइटिंग सिखा चुके हैं, यह स्पेशल कोड है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपका मेंस आंसर राइटिंग बहुत मजबूत हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, ऐप पर ये दोनों क्लासेस होती हैं, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर क्लासेस के लिंक डाले जाते हैं, मिल जाएंगे। 8 बजे वाली क्लास का लिंक 10 मिनट पहले, और 6:30 बजे वाली क्लास का लिंक उससे कुछ देर पहले। उसके अलावा ये भी कर सकते हो आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरा अनएकेडमी प्रोफाइल लिंक क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। तो अनएकेडमी ऐप पर जितनी क्लासेस होती हैं उसकी सूचना उसी तरह आप तक पहुंचती रहेगी, जैसे कि आपके यहाँ पर YouTube की क्लासेस की सूचना आप तक जाती रहती, पहुंचती रहेगी। और अभी तक जितने क्लासेस हो चुके हैं आप उसको देख सकते हैं। चले हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, और जो पहला टॉपिक है उसमें हमें बात करना है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के विषय में, और देखेंगे क्यों चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मेरा एजुकेटर और रेफरल कोड SUNILV, सुनील भी, और इस पर क्या मिल रहा है, अनएकेडमी के कोर्स और सब्सक्रिप्शन पर भारी छूट मिल रही है। इस भारी छूट को और मेरे पर्सनल गाइडेंस को आप इस कोड के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाइए। अब क्या हुआ है कि एक सॉवरेन गोल्ड जो है कि इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक स्कीम लाई गई थी, वह फिर से चर्चा में बनी हुई है। क्यों चर्चा में बनी है उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर जो शब्द है बॉन्ड उसको समझ लीजिए, ये जो बॉन्ड शब्द है इसको समझिए, ठीक है, जो बॉन्ड शब्द है इसको समझिए। अब मान लेते हैं आपके पास आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, आपकी कोई कंपनी है, और कंपनी चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, आपको क्या है, पैसे की जरूरत है। इस पैसे को आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से कर सकते हैं, आप या तो बैंक के पास जाएंगे, बैंक क्या करेगा, आपको ऋण देगा, लोन देगा, लेकिन लोन जो ऋण देगा वह बहुत हो सकता है उच्च ब्याज दर पर मिले। आप ये भी कर सकते हैं किसी से पैसा प्राप्त करने के लिए आप कह दीजिए कि भैया हम आपको कुछ शेयर दे रहे हैं, है ना, कंपनी का शेयर दे रहे हैं, आप हमको पैसा दे दो। एक तरीका ये भी हो सकता है आप किसी व्यक्ति को क्या करिए, बॉन्ड दे दीजिए। बॉन्ड का मतलब है कि आप उससे कहिए कि भैया ऐसा करो, हमें 100 रुपये दे दो, हम आपको 1 साल बाद क्या करेंगे, 110 रुपये दे देंगे। अब आपको क्या मिला,
आपको लगा कि 10% ब्याज पर लगभग 10% ज्यादा पे कर रहे हैं, एक साल बाद पे कर देंगे, ये आपके बीच की बात है। तो इस तरह से भी क्या होता है, आप पैसा उठा सकते हैं। तो बॉन्ड क्या होता है, जैसे एक कागज ही है, एक तरह से कागज का टुकड़ा है, जिस पर क्या होता है, आप ये कहते हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित अमाउंट आप क्या करेंगे, रीपे करेंगे, लौटा देंगे। जैसे आप देखिए, आप 2000 रुपये का 500 का नोट लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है, RBI की तरफ से कहा जाता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन कर देता हूँ, वो कागज ही है। ठीक इसी तरह से जो बॉन्ड है, ये भी क्या है, एक प्रकार का कागज है, लेकिन इस पर मूल्य अंकित रहता है कि भाई एक साल बाद अगर आपने 100 रुपये का लिया तो एक साल बाद आपको क्या मिलेगा, 110 रुपये मिलेगा, या जो भी बॉन्ड पर लिखा होगा वह प्राइस आपको क्या होगा, मिल जाएगा, और जो लिखा होगा वो पहले ही बता दिया जाएगा। तो इससे में क्या हुआ, इसमें कंपनी को क्या हुआ, बॉन्ड के माध्यम से खूब पैसा मिल गया, 10% ब्याज पर मिल गया, और कंपनी अब जो भी लाभ प्राप्त करेगी उसको किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। शेयर में अगर क्या होता, अपना वो कंपनी का हिस्सा दे देते तो उनका कुछ पैसा तो क्या होता, वह शेयर धारक के पास प्रॉफिट भी जाता। तो इससे क्या हो गया, पैसा मिल गया। अब देखिए, इसको आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बॉन्ड को, तो अगर बॉन्ड आपके पास पैसा है ना, आप एक इंडिविजुअल है, आपके पास पैसा है, तो आप भी चाहते हैं कि आप क्या करो, अपने पैसे को निवेश करो, और पैसे को निवेश करने के लिए आप वह विकल्प देखते हैं कि पैसा डूबने का जोखिम कम हो। शेयर बाजार में अगर पैसा लगाओगे, हो सकता है डूब जाए, हो सकता है आप किसी दूसरे को ऋण दो, और हो सकता है वो लेकर भाग जाए, लेकिन बॉन्ड के रूप में क्या होता है, आपका पैसा सुरक्षित हो जाता है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा हो गया और कंपनी के लिए अच्छा हो गया। प्रश्न आएगा, क्या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख रहे हैं, तो नहीं। अब आप क्या कीजिए, इसी को सरकार के तौर पर देखिए। सरकार को भी क्या होता है, पैसे की जरूरत होती है, तो सरकार क्या करती है, यहां पर RBI से कहती है कि भैया हमें पैसे की जरूरत है। RBI कहता है कि ठीक है, हम क्या निकाल देते हैं, कुछ बॉन्ड निकाल देते हैं, और जो लोग बॉन्ड को खरीदेंगे उनको हम क्या करेंगे, मान लेते हैं RBI ने कहा कि हम क्या करते हैं, 1000 के 1000 बॉन्ड हम जारी कर देते हैं, और जो लोग भी बॉन्ड लेंगे उनको एक साल बाद 1000 की जगह हम क्या करेंगे, 1100 रुपए दे देंगे, ये मान लेते हैं ऐसी बात हुई। तो इन्होंने क्या किया, RBI ने बॉन्ड जारी कर दिया, और जो लोग भी अब बॉन्ड खरीदेंगे उसका पैसा कहां पर आएगा, RBI, और RBI क्या करेगी, सरकार को दे देगी। ठीक है, तो सरकार को पैसा मिल गया, सरकार के पास जब पैसा आ जाएगा वो RBI को दे देगी, और लोग बॉन्ड वापस करेंगे और अपना पैसा क्या होंगे, प्राप्त कर लेंगे। सरकार का भी काम चल गया और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी लाभ मिल गया। अब इसी से जुड़ा हुआ है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अब बॉन्ड का आप समझ पाए होंगे कि बॉन्ड क्या है, जो ऋण ले रहा है या जो पैसा प्राप्त कर रहा है उसके लिए भी अच्छा है, और साथ ही साथ जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए भी अच्छा है। इसमें क्या है, पैसा डूबने के चांसेस क्या है, कम है, क्योंकि बॉन्ड आपको निश्चित समय पर एक निश्चित अमाउंट मिल जाएगा। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है कि आपके पास मान लो 1,00,000 रुपए है, आप इस 1,00,000 रुपए को कई तरह के निवेश कर सकते हो, आप इसको कई तरह से निवेश कर सकते हो, और किस तरह से निवेश कर सकते हो, आप कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, आप किसी को क्या कर सकते हो, आप किसी को ऋण दे सकते हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन सब में क्या है, रिस्क है, इन सब में क्या है, रिस्क है। आप ये भी कर सकते हो कि 1,00,000 रुपए है, आप क्या करो, गोल्ड खरीद लो, आप क्या करो, गोल्ड खरीद लो, सोना खरीद लो। तो आपने देखा होगा भारत में सोने को लेकर क्या है, गोल्ड को लेकर बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी पाई जाती है। कहा जाता है कि सोने में पैसा लगा दो, सोने का पैसा नहीं डूबेगा, कहा जाता ना कि सोने में पैसा नहीं डूबेगा। सोने का मतलब यहाँ पे है ना, रात में जो सोते हो वो नहीं है ना, सोने का मतलब गोल्ड से है ना, मेटल से। तो अब देखो, अब आपने क्या करो, आप सोना खरीद सकते हो, लेकिन सोना खरीदने आप जाओगे, अगर आप सोना खरीदने जाओगे तो आपको क्या है कि आपको बताया जाएगा कि भैया 24 कैरेट का सोना है, हो सकता है वो 20 कैरेट का सोना, 24 कैरेट का पैसा ले, सबसे शुद्ध सोना, लेकिन आपको क्या करे 20% शुद्धता वाला वह क्या करे सोना दे दे, ये भी हो सकता है, 20% शुद्धता वाला ही आपको क्या करे वह सोना दे दे, भी हो सकता है। दूसरा, आप गोल्ड खरीद कर ले आए, अब उसको क्या करना, उसको संभाल कर रखना आपके लिए टफ हो जाएगा, संभाल कर, चोरी ना हो जाए, कोई लूट ना ले जाए, बैंक में लॉकर में लेकर घूम रहे,
कई तरह की दिक्कत है। अब सरकार ने, और चूंकि भारत में क्या होता है, हम लोग गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीदते भी हैं, तो भारत में इसकी खरीदारी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो सरकार ने क्या किया, अच्छा जब खरीदारी करते हो, जैसे हम लोग अगर ज़्यादा गोल्ड खरीदेंगे तो हम गोल्ड कहाँ से मंगाते हैं, विदेश से मंगाते हैं। गोल्ड कहाँ से मंगाते हैं, विदेश से। और विदेश से मंगाने के लिए क्या करना होगा, हमें उनको पैसा देना होगा। और पैसा कैसे करेंगे, हम अपने करेंसी में तो देंगे नहीं, भारतीय मुद्रा में तो देंगे नहीं। अब अमेरिका से हम गोल्ड खरीद रहे हैं, यूरोप से, दक्षिण अफ्रीका से गोल्ड खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उन्हीं की मुद्रा में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में पे करना होता है। तो विदेशी मुद्रा में जब आप खरीद पे करोगे तो आपका क्या होगा, आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसी में से पैसा खर्च होगा, विदेशी मुद्रा भंडार आपका कम होता है। प्रश्न आएगा विदेशी मुद्रा भंडार कैसे कम होगा। मान लो मैं एक दुकान पर गया, मैं हूं सुनील, मैं एक शॉप पर गया, मैंने कहा कि भैया 10 केजी मुझे सोना चाहिए, 10 किलोग्राम सोना चाहिए। ऐसे ही कई लोग आ गए। अब इन सब लोगों ने क्या कहा, भारत में कुछ बड़े जो है कि गोल्ड के सप्लायर, उनसे कहा सोना चाहिए। अब ये गोल्ड का सप्लायर ये है, ये क्या करेगा, यह मान लो इसने दक्षिण अफ्रीका से संपर्क किया कि भैया हमें 1 क्विंटल सोना चाहिए, 1 क्विंटल सोना आएगा तो ये क्या करेगा, आप हमारे रुपए लेकर, करेंसी लेकर बैंक के पास जाएगा और बैंक से कहेगा कि भैया ये रुपया रख लो, विदेशी मुद्रा भंडार दे दो, है ना, मुझे विदेशी मुद्रा दे दो, और ये विदेशी मुद्रा उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा कि नहीं। और यही तो कारण है कि आप देखिए ना, हमारा जो रुपया है वो क्या हो चुका है, कितने डाउन जा चुका है, मतलब $1 प्राप्त करने के लिए हमें कितना, 82 रुपए से अधिक क्या करना, पे करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो गया, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा कि नहीं होगा। सरकार ने इन सब का समाधान निकाला, सरकार ने इन सब का क्या किया, समाधान निकाला। और समाधान यह है कि लोगों से कहा कि भाई आप जिन लोगों के पास, सरकार को चाहिए पैसा, ठीक है, पैसा। और सरकार ने कहा कि जो पैसा है, जिन लोग भारत में क्या करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, तो सरकार को लगा कि लोग सोना खरीद रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है, हम क्या करते हैं, लोगों को एक इन्वेस्टमेंट का मॉडल देते हैं। हम कहते हैं कि आप हमसे एक बॉन्ड खरीदो, और कौन सा बॉन्ड होगा, गोल्ड बॉन्ड। अब प्रश्न आएगा गोल्ड बॉन्ड में क्या होगा, तो सरकार ने कहा कि मान लो आप 10 ग्राम सोना खरीदना चाहते हो, सोना खरीदोगे तो हो सकता है आपको सोने में मिलावट मिल जाए, या फिर उसको खरीदोगे तो संभाल कर रखने में दिक्कत होगी, बहुत सी तरह की चुनौतियां हैं। आप क्या करो, हमसे बॉन्ड खरीदो, गोल्ड बॉन्ड। जैसे गोल्ड की कीमत बढ़ती रहती है, इस बॉन्ड पर भी आपको क्या होगा, कुछ ब्याज भी मिलता रहेगा, और एक निश्चित समय पर हम आपको क्या करेंगे, पैसा भी दे देंगे। मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, 10 ग्राम का रुपए है, मूल्य है 50,000, तो आप क्या करो, 50,000 रुपए दो और आप 10 ग्राम का एक गोल्ड बॉन्ड ले जाओ। बॉन्ड मतलब एक कागज है, उस पर आपकी डिटेल होंगे, आप लेकर चले गए। अब मान लो वह जो बॉन्ड है वो क्या बता रहा है कि आपके पास 10 ग्राम सोना है। अब इस जब तक आपने 2-3 साल बॉन्ड रखा, इस बीच क्या हुआ, उसमें उसकी कीमत बढ़ी, सरकार कहेगी हम आपको 2% ब्याज दे देंगे। और फिर क्या होगा, एक निश्चित समय बाद, क्योंकि आपने 50,000 रुपए दिया था, हम आपको 60,000 रुपए भी दे देंगे। तो अब देखो 60,000 रुपए भी मिल गए, कुछ निश्चित ब्याज भी मिल गया, क्योंकि गोल्ड गोल्ड की दाम हो गए, जब बढ़ेंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। इससे क्या हुआ, लोगों ने एक अच्छा सोना खरीद लिया, है ना, उनका पैसा इन्वेस्ट हो गया, और सबसे बड़ी बात है उस पर रिटर्न भी उनको ज्यादा मिलेगा। तो जो सोना को खरीदने में दिक्कत आती थी कि क्या होता था, संभाल कर रखना है, शुद्ध सोना होगा, ज्वेलरी बनवाना है, ज्वेलरी बनवा के अगर गोल्ड लोगे तो मेकिंग चार्ज, ये सब चीजें अब इनसे क्या हो गए, अब बच गए। तो बॉन्ड लेकर आ जाइए और निश्चिंत रहिए। सरकार को क्या मिल गया, इससे पैसा मिल गया। सरकार को एक और फायदा हुआ कि उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा था, अब कम नहीं होगा। यही टॉपिक है, अगर इसको समझ पाए तो समझ लीजिए कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अच्छे से समझ पाए। बता दीजिए समझ पाए कि नहीं, प्लीज बता दीजिए समझ पाए कि नहीं, समझ पाए कि नहीं, समझ पाए कि नहीं, प्लीज बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। समझ पाए, प्लीज बता दीजिए। क्लियर हो गया, तो क्लियर हो गया तो बच्चों लाइक और शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। जब क्लियर हो गया तो लाइक और शेयर कर दीजिए।
ठीक है, चल आइए अब मैं आपको टॉपिक से परिचित करवा देता हूं, आपको टॉपिक से मैं परिचित करवा देता हूं ना। तो जो टॉपिक समझाया वही चीज है, ये टॉपिक हमने क्यों लिया है देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस मिंट में इसको कवर किया गया है और ये आपके इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हमने लिया। तो क्या हुआ है? अब देखो समझना आसान हो गया है तो इजी तरीके से आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। एक सेकंड लीजिए, एक सेकंड लीजिए, अभी वाला जो आया हुआ है ना ऑफर वाला कोड डाल के ग्रुप में डाल दो, ठीक। और एक पुराना वो वीडियो पड़ा हुआ है, इस कोड का यूज करें, 3-4 मिनट का होगा, उसको डाल दो उसमें तुरंत। चल आवाज जा रही है, आवाज जा रही है, ठीक है। चलिए आइए अब मैं इसको समझा देता हूँ, क्लियर है? आवाज क्लियर है ना? प्लीज बता दीजिए एक बार, आवाज क्लियर है? चल यहां पर आ जाए। तो क्या हुआ, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने, एक सेकंड, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की तीसरी श्रृंखला की घोषणा की है, अर्थात जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम चल रही थी उसको तीसरी बार क्या किया गया, इस वित्तीय वर्ष में इसकी घोषणा की गई। इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, अब यह बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर पैसा है मम्मी पापा से पूछ लीजिए, अगर पैसा है तो कहिए सोना मत खरीदो, चोरी होने का डर रहेगा, हो सकता है हमारा ही आपका मतलब आपका ही मन खराब हो जाए, सोना लेकर निकल जाओ, बह जाए, नकली मिल जाए, बॉन्ड खरीदो तो क्या होगा, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अब खरीद सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसका सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब है आप इसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 वित्त वर्ष में दो बार यह योजना आरबीआई द्वारा लाया जा चुका है, तो तीसरी बार आई है, यहीं से प्रिलिम्स के देखो फैक्ट बनने लग जाएंगे, ठीक है। क्या है गोल्ड बॉन्ड स्कीम, क्या है यही समझ लीजिए, गोल्ड मुद्रीकरण, गोल्ड मुद्रीकरण का मतलब है सोने को क्या करना, मुद्रा का रूप देना, गोल्ड मुद्रीकरण। अब इसमें क्या है, आपने क्या किया, गोल्ड के लिए पैसा दिया सरकार को, आपने बॉन्ड खरीदा, आपने 10 ग्राम का एक बॉन्ड खरीदा, तो 10 ग्राम के बॉन्ड में क्या हो गया, आपको तो सोना मिला नहीं और सरकार को क्या मिल गया, पैसा मिल गया, तो सोने का यहां पर मुद्रीकरण, गोल्ड का मुद्रीकरण यहां पर किया जा रहा है, कैसे, बिना गोल्ड के। यही अच्छी बात है कि सरकार भी आपको ऐसा नहीं सोना बेच नहीं रहा है, यहां पर सोने की बिक्री और खरीद नहीं हो रहा है, यहां पर बॉन्ड खरीदा जा रहा है, किसके नाम पर, सोने के ही नाम पर, गोल्ड के नाम पर। तो गोल्ड मुद्रीकरण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2015 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था और तब से चलाया जाता है। सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है वह बॉन्ड आरबीआई के माध्यम से बॉन्ड को जारी करवा देता है, आप क्या करते हैं बॉन्ड को खरीद लेते हैं और बॉन्ड को सोने के रूप में, क्योंकि उसकी जो वैल्यू बढ़ेगी वह सोना जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी, सोने की तरह से सुरक्षित है। तो इससे क्या होगा, आप जो गोल्ड खरीद रहे थे गोल्ड मत खरीदिए, बॉन्ड खरीदिए, सरकार को पैसा दे दीजिए, जैसे जैसे सोना बढ़ेगा आपका मूल्य बढ़ेगा, आपको चूंकि बॉन्ड है और सरकारी बॉन्ड है तो पैसा डूबेगा भी नहीं और निश्चित समय पर आपको ब्याज के साथ पैसा भी मिल जाएगा। तो गोल्ड मुद्रीकरण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ध्यान दीजिए इसमें जो नियम और शर्तें किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वह नियम और शर्तें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो इस योजना के तहत भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस्तों में गोल्ड में निवेश शुरू किया गया है, अर्थात जो है कि किस्तों में का मतलब है कि आप 1 ग्राम ले लो, 10 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो, जब आपके पास जितना आप सक्षम हो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो इसकी अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है, आरबीआई के द्वारा। गोल्ड सरकारी प्रतिभूतियां, अर्थात अब देखो ये जो गोल्ड बॉन्ड है ये सरकारी प्रतिभूति, प्रतिभूतियां का मतलब है सिक्योरिटी, कि आपने के आपके पास सिक्योरिटी, आपके पास बॉन्ड है और सरकार का है तो सरकार तो कभी डिफॉल्ट होगी नहीं, तो आपका पैसा क्या है, बिल्कुल सुरक्षित है। तो आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट का ये बहुत बेहतर मॉडल है कि आप
एक ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां पर आपको रिस्क बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि सरकार डिफॉल्ट नहीं होगी, सोने का दाम कम भी नहीं होगा, गोल्ड का दाम बढ़ता रहेगा, और चूंकि ये बॉन्ड है, इसको बॉन्ड नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एक निश्चित टाइम के बाद आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा, जो कि क्या है, जो आपने पे किया उससे ज्यादा 100 रुपए दिया है, एक साल बाद 110 रुपए मिलने वाला है, गोल्ड का दाम बढ़ गया, हो सकता है 115 रुपए मिल जाए, कितनी अच्छी चीज है, यही बात है ना। गोल्ड बॉन्ड को 1 ग्राम की इकाई के आधार पर जो है कि जारी किया जाता है, ठीक है। चलो आगे। इस गोल्ड बॉन्ड में निवेशकों को निर्गम मूल्य का भुगतान नगद में करना होता है। निर्गम मूल्य का मतलब क्या होता है कि आप बॉन्ड खरीद रहे हो, जैसे मान लो 10 ग्राम बॉन्ड आप ले रहे हो 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम बॉन्ड का वैल्यू अगर 50,000 रुपए लिखा है तो आपको क्या करना होगा, 50,000 रुपए आपको पे करना होगा। और जब आप इस बॉन्ड को लेकर आओगे, सरकार फिर आपको क्या करेगी, इस पर जितना इस पर वैल्यू लिखा होगा, एक साल बाद मान लो कि 55,000 रुपए लिखा है कि हम एक साल बाद 55,000 रुपए पे करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 5,000 रुपए बढ़कर मिल जाएगा, और ब्याज आपको समय समय पर हर 6 महीने पर आपको ब्याज भी मिलता रहेगा, तो ब्याज भी मिल रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट भी कुछ समय बाद मिल जाएगा, ठीक है। इसकी अवधि अर्थात इसकी जो भी बॉन्ड है उसका एक मैच्योरिटी टाइम होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, वो सरकार डिसाइड करती है। इसकी मैच्योरिटी पूरा होने पर बॉन्ड को नगद में ही आपको भुगतान किया जाएगा, अर्थात आपको कैश में पैसा दे दिया जाएगा। गोल्ड बॉन्ड सोने की भौतिक रूप से रखने का एक बेहतर विकल्प प्रदान करता है, जिससे इसके भंडारण के जोखिम और लागत समाप्त। ये जो बॉन्ड है, चूंकि ये गोल्ड बॉन्ड है, तो इसमें क्या हुआ, अब आपको सोने को फिजिकली रूप में रखना, चाहे वो ज्वेलरी के रूप में हो, कॉइन्स के रूप में हो, बिस्किट के रूप में हो, जरूरत नहीं है, बॉन्ड रखिए, ना तो चोरी होने का डर ना तो खोने का डर, ठीक है। इस गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वाले ने निवेशकों को परिपक्वता और समय समय पर बाजार मूल्य पर ब्याज देने का आश्वासन दिया जाता है, तो एक मैच्योरिटी टाइम के बाद आपको फिक्स अमाउंट भी मिल जाएगा, और समय समय पर जैसे जैसे गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा, बाजार दर बढ़ेगा, आपको ब्याज भी मिलता रहेगा। ज्वेलरी के रूप में ना, आप जब गोल्ड लेते हो तो आपको मेकिंग चार्ज देना होता है, शुद्धता जैसा मुद्दा आता है, तो ना तो यहाँ पर कोई मेकिंग चार्ज देना है, ना तो यहाँ पर ज्वेलरी आपको बन रहा है, और ना तो शुद्धता की मुद्दा आएगा कि 24 कैरेट का के नाम पर कहीं 20 कैरेट वाला सोना ना दे दें। इस गोल्ड बॉन्ड की अवधि 8 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है, और इसके 5वें, 6वें और 7वें साल में इस योजना से बाहर निकलने पर ब्याज की ब्याज भुगतान की तारीखों पर किया जा सकता है। अब देखिए क्या है, 8 वर्ष के लिए है, तो आपके पास पैसा है, आप बीच बीच में हर 6 महीने पर आपको ब्याज मिलता रहेगा, और जब आप 5-6 साल बाद निकलना चाहो आप अपना पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। इस योजना के लिए न्यूनतम जो निवेश करना होगा 1 ग्राम करना होगा। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, 1 किलोग्राम तक जो है कि इन्वेस्ट कर सकता है, अर्थात आप अधिकतम 4 किलोग्राम जो है कि सोना गोल्ड खरीद सकते हो। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट है, कोई संस्था है, तो क्या कर सकता है, 20 किलोग्राम तक एक वित्त वर्ष, अच्छा 4 kg एक वित्त वर्ष में आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। और एक वित्त वर्ष में कोई कंपनी, कोई संस्था 20 किलोग्राम सोना खरीद सकती है। जैसे मान लो कोई मंदिर है, मंदिर के पास बहुत चढ़ावा आता है, अब वो क्या कर सकते हैं, सोना खरीद के रख सकते हैं, या फिर क्या करें, सरकार को पैसा दे दें, गोल्ड बॉन्ड ले लें, और फिर जो है कि जब उनको मंदिर को, ट्रस्ट को पैसे की जरूरत हो, वो क्या करें, अपना पैसा वापस ले लें, ठीक है। सोने की वह मात्रा जिसके लिए निवेशक भुगतान करता है वो संरक्षित, अर्थात यहाँ पर जो भी आप पैसा लगाओगे वो आपका पैसा सुरक्षित है, आराम से आप उसको वापस करते हो। इसका जो प्रस्ताव है किसके द्वारा दिया गया है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन लिमिटेड के द्वारा इसको दिया गया है। तो पहले भी बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड जारी किया, गोल्ड बॉन्ड जारी किया जा चुका है, कितना आप देखें, इस गोल्ड लोन स्कीम का सामान्य औसत समानुपाती मूल्य 99, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो गोल्ड है ना, जो गोल्ड है वह गोल्ड की शुद्धता जो होती है वह कैरेट पर निर्भर करती है। जो गोल्ड जितना ज़्यादा प्योर होगा वह उतने अधिक कैरेट का होगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले क्या हुआ, इसको जैसा कि हमने कहा 2015 से इसको जारी किया जा रहा है, तो समय समय पर इसको जारी किया जाता रहा है ना, समय समय पर जारी किया, पहले अगर जब जारी किया था, पहले जब अभी जो जारी किया गया है 16 दिसंबर 2022 को, तो यहाँ पर प्रति ग्राम जो मूल्य रखा गया है 5,409 रुपए, लेकिन इससे पहले जब जारी किया गया था तो इसका मूल्य क्या था, कम था।
अर्थात जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है गोल्ड बॉन्ड का प्रति ग्राम जो मूल्य है वह भी बढ़ता चला जा रहा है। तो पहले जितना सरकार को प्राप्त होता था एक ग्राम गोल्ड बॉन्ड बेचकर, अब उससे ज्यादा लाभ यहां पर मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको गोल्ड बॉन्ड लेना है तो आप 5,409 रुपए देकर एक ग्राम का गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो। अभी आपको एक ग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए 5,409 रुपए देना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप 10 ग्राम खरीदना चाहते हो तो इनटू कर दो 5,409, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, यह आप कहीं दुकान पर जाओ जिसको मान्यता प्राप्त है, जो गोल्ड बॉन्ड जारी करता है, वहां से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करोगे तो निर्धारित मूल्य से 50 रुपये प्रति ग्राम को आपको छूट मिल जाएगी। तो इसमें क्या करो, प्रति ग्राम आपको 50 रुपये कम कर दीजिए। ऑनलाइन भी आप क्या कर सकते हो, गोल्ड बॉन्ड आप प्राप्त कर सकते हो। आप देखिए गोल्ड बॉन्ड की वापसी पर क्या होगा, है ना, कि आपको कितने रुपए जारी किया गया। तो आरबीआई द्वारा शुक्रवार को कहा गया है कि दिसंबर 2017 में इन्होंने जब जारी किया था 2,890 रुपए प्रति ग्राम जारी किया गया। अब मतलब यहां पर देखो, समझ आसान शब्दों में आपको मैं समझा देता हूं इस पे, कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यह देखना होता है कि उससे रिटर्न कितना आया। तो अभी तक ये जो गोल्ड बॉन्ड है, इन्होंने गोल्ड बॉन्ड जो जारी किया गया है उसके आधार पर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक वर्ष औसतन जो रिटर्न होता है वह 15.39% होता है। इसका मतलब क्या है, एक साल अगर आपने 100 रुपए लगाए, 100 रुपए नहीं, मतलब आप ऐसा करो, क्या करो, 10,000 रुपए ले लो, 10,000 रुपए लगाए तो अगले साल में क्या होगा, इस पर 15.39 रुपए हर साल आपको इतना वृद्धि हो रही है, हर साल आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो आपके लिए भी ठीक हुआ, बैंक में जमा करते इससे कम ही मिलता आपको, चाहे एफडी करवा लो, सेविंग में रख लो, कुछ भी कर लो, आपको इतना नहीं मिलता। तो यहां पर देखा जा रहा है कि तीन साल में लोगों को क्या मिला, 45% तक का लाभ मिला, औसतन प्रत्येक साल इतना लाभ मिल रहा है। तो आपके लिए भी क्या हो गया, अच्छा हो गया। दूसरा, सरकार इसके माध्यम से पैसा प्राप्त करके उसका जो राजकोषीय घाटा है उसको पूरा कर लेती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप इन आंकड़ों को, सभी आंकड़ों को मत ध्यान देना, बस यहां पर मैं बता रहा हूं कि हर साल आपको औसतन 15% का लाभ मिल रहा है, सरकार ने डेटा दिया है, उस डेटा को अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि 3 साल में 45% लाभ और हर साल लगभग 12 से लेकर 13, 14, 15% का एवरेज लाभ मिल रहा है। जब गोल्ड का मूल्य बढ़ जाता है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, परसेंटेज भी बढ़ जाता है। तो आने वाले समय में अगर गोल्ड का क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा, तो आपका ये जो प्रॉफिट है वो भी क्या होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। प्रश्न आएगा कि अभी तक कितना गोल्ड बॉन्ड जारी किया जा चुका है, तो आप देखो इतने किलोग्राम के बराबर गोल्ड बॉन्ड जारी किया जा चुका है। अगर गोल्ड बॉन्ड जारी ना किया जाता तो, और यह लोग अगर सोना खरीदते तो हमें बाहर से कितना सोना खरीदना, गोल्ड खरीदना पड़ता, इतना गोल्ड 96 kg गोल्ड हमें खरीदना पड़ता। इसका मतलब यह है कि सरकार ने गोल्ड बॉन्ड जारी करके अपना विदेशी मुद्रा भंडार इतना बचा लिया। अगर हम यह जो गोल्ड बॉन्ड है इसको दे, इतना गोल्ड अगर हम खरीदते तो कितना हमें पे करना होता, लगभग 52,000 करोड़ रुपए। अब इसको हम बाहर से खरीदते तो हमारा क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार कम होता। सरकार ने अच्छा किया कि अब सोना खरीदने की जरूरत नहीं, पैसा है बॉन्ड खरीद लो, और लोगों ने इतने किलोग्राम के बराबर का बॉन्ड खरीद लिया है और सरकार को इतना पैसा प्राप्त हो चुका है। अच्छी चीज है, है ना, समझ पाए कि नहीं, समझ पाए। तो इससे क्या हो गया, इन्वेस्टर को भी फायदा हो गया, सरकार को फायदा हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार बच गया, ना तो चोरी का डर और ना तो खोने का डर, है कि नहीं। अच्छा टॉपिक, अब बताइए समझ पाए इसको, क्या इस टॉपिक को हम समझ पाए। कपिल बघेल क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिए, क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिए। कपिल जी समझ गए, समझ गए, प्लीज बताइए समझ गए। अगर समझ गए तो सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, अगर समझ गए तो सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, प्लीज कर दीजिए। कपिल बघेल जी मैंने आपका आंसर दे दिया,
सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है। चलो, वायु प्रदूषण का मतलब क्या है? वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का मतलब है कि जब वायु का जो मिश्रण है, वायु का जब मिश्रण है उसमें कुछ ऐसे तत्व आ जाएं जिनका नकारात्मक प्रभाव, जिनका नकारात्मक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़े, नकारात्मक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़े, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको वायु प्रदूषण बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, जब आप शहरों की ओर जाते हो, जब आप शहरों की ओर जाते हो, या फिर आप औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाते हो, या फिर आप किसी औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाते हो, तो शहरों की ओर जाओगे, औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर इस तरह की वायु देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर धूल के कण हैं, राख है, मिट्टी है, है ना, और अन्य जो यहां पर गाड़ियों के धुएं से निकलने वाले कण हैं, बहुत से तरह के प्रदूषक तत्व मिलते हैं। ये प्रदूषक तत्व जब हमारे श्वसन के माध्यम से अंदर जाते हैं तो आदमी क्या होता है? घुट घुट के खत्म हो जाता है। आप देखोगे कि दिल्ली दीपावली के समय दिल्ली के आसपास की वायु क्या हो जाती है? एकदम प्रदूषित हो जाती है, काला वायुमंडल हो जाता है। इसको बोलते हैं स्मॉग। स्मॉग क्या है? वायु प्रदूषण है। और वायु प्रदूषण के लिए भारत में अगर आप देखें तो भारत विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित, वायु प्रदूषित जो है कि देश के रूप में जाना जाता है। अगर विश्व के 100 आप सबसे ज्यादा प्रदूषित, वायु प्रदूषित शहरों को लेते हो तो लगभग 30 से लेकर 35 जो इसमें शहर होंगे वह कौन से होंगे? अपने देश के होंगे। गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, कानपुर, है ना, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, ये सब जितने बड़े आप शहर देख रहे हो सब क्या है? वायु प्रदूषित से। अब ये जो वायु प्रदूषण की समस्या है कई तरह की चुनौती उत्पन्न करती है, लेकिन इसके संदर्भ में जो है कि रिपोर्ट किसकी आई है? बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और वह है विश्व बैंक की। विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है, और विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप देखिए, इसको समझिए, क्योंकि जब भी आप कुछ लिखेंगे तो विश्व बैंक की इस रिपोर्ट का आपको जिक्र करना ही करना होगा, ठीक है? तो समझ पाए वायु प्रदूषण के विषय। देखिए क्यों हमने टॉपिक लिया है, आप देख सकते हैं हर जगह ये जो टॉपिक है चर्चा में बना हुआ, इसके कारण ये सिलेबस का चूंकि पार्ट है तो हमने इसको ले लिया। हाल ही में क्या हुआ है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया, अब प्रश्न आएगा दक्षिण एशिया में क्या अपना देश शामिल है कि नहीं, दक्षिण एशिया में क्या भारत शामिल है कि नहीं? तो आप कहोगे बिल्कुल बिल्कुल शामिल है कि नहीं, है कि नहीं? तो दक्षिण एशिया में जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है ना, श्रीलंका है, मालदीव है, ये पूरा समूह आता है। तो अभी विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया दक्षिण एशिया के विषय में, और ये करके बताया कि भैया यहाँ पर वायु प्रदूषण सबको पता है पहले से है, लेकिन इसने जो बात कही है वो ये है कि वायु प्रदूषण की वर्तमान स्थिति का इन्होंने आकलन किया, और आकलन करके एक रिपोर्ट जो इस शीर्षक से प्रकाशित किया। इसमें इन्होंने कहा कि यहां पर इन देशों में हाल के वर्षों में वायु प्रदूषण से बचाव के लिए जो नीतियां या कार्यक्रम बनाए गए हैं उनसे कुछ सकारात्मक परिणाम अवश्य होंगे, लेकिन यह जरूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं होगा। यह अब इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान, कोई भी देश हो, इन्होंने यहाँ पर चूंकि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इन देशों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं। इन प्रयासों से सकारात्मक परिणाम आएंगे, लेकिन जो अपेक्षित परिणाम है वो प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है वो भी क्या करता है, ये रिपोर्ट बताता है। चलो अब मैं देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें की गई हैं, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट्स की जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM 2.5 क्या होते हैं? ऐसे कण जिनके कणों का आकार, जहां जैसे धूल कण हो,
है ना, मिट्टी के कण हो, राख के कण हो, तो कण भी क्या होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी। तो जब कणों का आकार 2.5 माइक्रोन से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 2.5 माइक्रोन से कम होता है तो इसको बोलते हैं PM 2.5, ठीक है, उसको बोलते हैं PM 2.5। अगर कहीं लिखा हो PM 10, इसका मतलब है ऐसे कण जिनके कणों का आकार 10 माइक्रोमीटर से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, PM 10 बोलते हैं। तो आगे इस पर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी, रुके मैं बता भी देता हूँ, एक सेकेंड देखें, है ना, PM 2.5 ऐसे सूक्ष्म कण जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से या उससे कम होता है, PM 10 ऐसे प्रदूषण कण जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर से कम, या दूसरे शब्दों में 2.5 से बड़ा लेकिन 10 माइक्रोमीटर से कम होता है, उसको PM 10 कहा जाता है, ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ है, आइए हम बताते हैं। जैसे कि पहला इसका क्या है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण एशिया में लगभग 60% जो आबादी है वह PM 2.5 के खतरनाक स्तर को झेल रही है। खतरनाक स्तर का मतलब यह है कि PM 2.5 का एक अनुपात होना चाहिए। जहां तक कोई, जैसे मान लो 100 प्रदूषित कण हो, अगर उसमें 5 कण PM 2.5 के हैं तो यहां तक तो चल जाएगा। जैसे आप देखो मास्क लगाते हो, आप सब लोगों ने देखा होगा, आप क्या करते हो, मास्क लगाते हो तो धुआं जो आता है मास्क जो, वहां पर देखना काला पड़ जाता है अगर मास्क चेंज नहीं करो। ये कहां से आ रहा है, यही तो PM 2.5 है, यह तो PM 10 है, यही तो धूल कण है ना, यही तो राख के कण है। तो अगर किसी वायु में 2.5 ज्यादा होगा, इसका मतलब सूक्ष्म आकार के हैं कण, दिख भी नहीं रहे, अंदर शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो अगर कहीं PM 2.5 का जो स्तर है वह 5 है, अर्थात 100 प्रदूषित कणों में या धूल कण हैं जो भी राख के कण हैं उसमें अगर PM 2.5 का 5 कण है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 से ज़्यादा होंगे तो यह क्या होंगे, ये हमारे हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। आप देखो तो दरअसल विश्व बैंक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो अनुशंसित सीमा है जो है कि PM 2.5 की, वो 5 निर्धारित की गई है, अर्थात 100 कणों में से 5 कण ही किसके हो सकते हैं, PM 2.5 के हो सकते हैं। लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में यह 35 को भी क्रॉस कर गया है, कुछ हिस्सों में, अर्थात जो हमारा जो सीमा होने चाहिए, जितने कण होने चाहिए उससे 20 गुना ज्यादा PM 2.5 के हम संपर्क में है। ये PM 2.5 शरीर में जा रहा होगा और शरीर को क्या कर रहा है, खोखला कर रहा है। समझ पाए? तो यहां पर क्या बताया गया कि भैया पूरा दक्षिण एशिया, चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो, है ना, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, सब में क्या है, PM 2.5 खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है एयर सेट का। ये जो एयर सेट का कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, नया शब्द है, मतलब अभी कभी कभी ये चर्चा में बना रहता है, आपसे कोई पूछ सकता है, आपको पूछकर इसमें उलझा सकता है। क्या है तो देखो, एयर सेट को समझने के लिए आप क्या करो, आप अपने शहर को देखो, आपके शहर का जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां से क्या होता है, ज्यादा प्रदूषक जो है कि वायु को प्रदूषित करने वाले तत्व निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कोई फैक्ट्री होगी, उससे कुछ प्रोडक्शन हो रहा होगा, वहां पर कोयला जल सकता है, वहां पर कुछ और चीज जलती है। तो जो जहां पर भी वायु प्रदूषण के स्रोत हो वह एयर सेट होता है। जैसे आप शहरों में जितने भी ट्रैफिक देखते हो, जहां जहां पर ट्रैफिक लगे, जहां खूब धुआं निकल रहा है, वह एयर सेट हो गया। और इसको संदर्भ में समझो तो मान लो आपका यह राज्य, इस राज्य में यह एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर खूब कोयला यूज होता है, यहां पर एक और इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर खूब जो है कि पेट्रोल डीजल खर्च होता है, ऐसे एक और एरिया जहां पर खूब कूड़ा जलाया जाता है। तो इस तरह के एरिया जहां पर क्या हो रहा है, खूब ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, तो इस राज्य के ये एयर सेट होंगे। तो यहां पर जो वायु प्रदूषण हो रहा है, क्या सिर्फ यहीं के लिए होगा? नहीं, हवा जब चलेगी तो यहां का वायु के प्रदूषक जो तत्व हैं वो दूसरे एरिया में पहुंच जाएंगे। जैसे दिल्ली ले लो, अब देखो ये दिल्ली है और इधर क्या है, पंजाब हरियाणा है। अब पंजाब हरियाणा में अगर इंडस्ट्री ज्यादा है,
पराली ज्यादा जलाई जाएगी, कारखाने ज्यादा चलेंगे, तो इधर से चुप, यह क्या हो गया, एक एयर शेड एरिया हो गया, और यहां से प्रदूषक तत्व तो दिल्ली तक आ जाएंगे, यही तो होता है। तो एयर शेड से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होता है। अगर यहां पर वायु प्रदूषण क्यों होगा, या तो यहां पर फैक्ट्री होगी, या यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, या पर यहां पर किसी भी चीज के लिए जीवाश्म ईंधनों का दहन ज्यादा हो रहा होगा, या फिर यहां पर कृषि अवशिष्ट जलाए जा रहे होंगे। तो एयर शेड से तात्पर्य उन एरिया से है जहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होता है। तो यह रिपोर्ट यह कहती है कि भाई मान लो किसी राज्य में एयर शेड ज्यादा है तो प्रदूषण ज्यादा होगा, तो क्या कर दो, यह एयर शेड आप समाप्त कर दो, कुछ एयर शेड को क्या करो, आप समाप्त कर दो। तो जब किसी राज्य में एयर शेड की संख्या ही कम हो जाएगी, अर्थात प्रदूषक स्रोत ही समाप्त हो जाएंगे, तो क्या होगा, वायु कुछ स्वच्छ हो जाएगी। दूसरा, मान लो यही एक एयर शेड है जिसको आपने बने रहने दिया, ये डेली क्या करता है, 100 ग्राम मान लो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसको क्या करो, इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी लगा दो जिससे क्या करे, ये 50 ग्राम जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो पहले एयर शेड की संख्या भी कम करनी है और उनका प्रसार भी क्या कर देना है, कम कर देना है, यही बात यहां पर की गई है, समझ पाए। तो देखो अब यही टॉपिक है जिसको मैंने समझा दी, मेरी क्लास में यही फायदा होता है, आओगे समझ कर जाओगे, कोई चीज ऊपर से नहीं क्लियर होगी, दिमाग में क्लियर होगी, ठीक है। आइए, तो एयर शेड ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां एक क्षेत्र की वायु की गुणवत्ता दूसरे क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो देखो अगर कोई ऐसा क्षेत्र जहां से वायु प्रदूषण ज्यादा होगा, वहां से हवा चलेगी और उसके वायु प्रदूषक तत्व तो दूसरे क्षेत्र में आ जाएंगे, है ना। रिपोर्ट दक्षिण एशिया में 6 एयर शेड के विश्लेषण किया गया, अर्थात दक्षिण एशिया में 6 बड़े एयर शेड की पहचान की गई, जिसमें से एक हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र भी है और पश्चिम मध्य क्षेत्र भी है। पश्चिम मध्य जो क्षेत्र है वह कौन सा है, भारत पाकिस्तान का जो सीमा वाला, जो पंजाब वाला एरिया, एक हमारे यहाँ पर पंजाब है और एक उनका पंजाब है, पंजाब का विभाजन हुआ है वह वाला एरिया, ठीक है। इसी तरह से हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, ये सब क्या हो जाते हैं, इसी में आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ के कौन से एयर सेट, एक पश्चिम मध्य क्षेत्र में है ना, एक मैदान वाला क्षेत्र है ना, तो मध्य भारत जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र है ना, और ये सब क्षेत्र आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर एयर शेड हमारे यहाँ कौन से एरिया है, आसान शब्दों में जहां पर प्रदूषक तत्व तो ज्यादा होता है, पंजाब में अच्छी खासी इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है ना, इन क्षेत्रों में जहां जहां पर इंडस्ट्री है, जहां जहां पर ज्यादा पराली जलाई जाती है, जहां जहां पर ऊर्जा का दहन होता है, वह एयर शेड है। इन एयर शेड की संख्या को कम करने की बात की गई है। सिंधु नदी का मैदानी भाग जिसमें मुख्यतः पाकिस्तान, अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है, यह भी क्या एयर शेड है, तो हम इससे प्रदूषण नहीं करते, कहां होता है, पाकिस्तान में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है ना, बांग्लादेश में। अब देखो बांग्लादेश भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है, तो हर जगह से धुआं धुआं उठ रहा है। तो कहा जा रहा है कि भाई कुछ एयर सेट्स को कम करो, सभी दक्षिण एशिया के देश बैठो और आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर एयर सेट की संख्या कम करो। सिंधु मैदान के दक्षिण में विस्तृत पाकिस्तान का जो क्षेत्र है ना, जो हमारा पंजाब का क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, वहां पर भी प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर एयर सेट इस अवधारणा की पुष्टि करता है कि भारतीय पंजाब में विस्तृत प्रदूषण का 30% हिस्सा पाकिस्तान क्षेत्र से चलने वाले पवनों के कारण आता है, अर्थात जो भी हमारे यहाँ पर प्रदूषण होता है उसमें पाकिस्तान का भी रोल है। पाकिस्तान से जो हवा आती है वो प्रदूषक तत्व हमारे यहाँ से ले आते हैं, और हमारे यहाँ का प्रदूषक तत्व कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश का प्रदूषक तत्व हमारे यहाँ पर चला आता है। अर्थात दक्षिण एशिया के सभी एयर सेट क्या कर रहे हैं, अपने अपने अनुपात में उत्सर्जन कर रहे हैं, खुद भी प्रदूषित हो रहे हैं और पड़ोसी मुल्क और पड़ोसी मुल्क के कुछ क्षेत्रों को प्रदूषित कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात कहा गया, क्या है, इन एयर शेड में कहां कहां से प्रदूषण हो रहा है, उद्योग से, कारखानों से, बिजली के संयंत्र से, ऑटोमोबाइल से, है ना, खाना बनाने में, जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर खाना बनाने में आप तो लकड़ी का यूज हो रहा है, या फिर जो है कि मिट्टी के तेल का यूज हो रहा है, कुछ जगह गैसों का भी हो रहा है, कृषि अवशिष्टों का जैसे पराली जलाया जाता है, खुले में कचरे का दहन हो रहा है, कुटीर उद्योगों की वजह से हो रहा है। तो सुझाव क्या दिया गया है कि भैया एयर शेड को सीमित करना, एयर शेड की सीमित करने का मतलब है कि एयर शेड की संख्या कम करो, ठीक है, एयर सेट की संख्या कम करो। और जो मान लो कि इस क्षेत्र में हमारे देश में 10 एयर सेट है ना, 10 एयर सेट है, तो इनकी संख्या 6 कर दो, अब 6 कर दो, या 5 कर दो, 4 कर दो, मान लो 4 कर दिया आपने, अब बचे हुए जो 4 हैं उनके द्वारा होने वाला जो उत्सर्जन है वो कम कर दो। मान लो 4 एयर सेट है ना, ए बी सी डी, ठीक है,
और आज के दिन में ये 100 ग्राम कर रहा है वायु प्रदूषण, है ना, 100 ग्राम CO2 इससे जाता है, इससे जो है कि 150 ग्राम, इससे 200 ग्राम, इससे 250 ग्राम, है ना। अब क्या करो, तो सब में 50% की कटौती कर दो, तो ये क्या होगा 50 ग्राम, ये क्या होगा 75 ग्राम, ये 100 ग्राम, और ये क्या होगा 125 ग्राम। अब क्या हो गया, ईयर सेट की संख्या कम हो गई, तो टोटल जो ऐसे एरिया जो क्या कर सकते थे पोल्यूशन कर सकते थे वो भी कम हो गए, और जहां से अभी पोल्यूशन हो रहा है उनसे भी आपने क्या किया, फिल्टर लगा दो, ग्रीन टेक्नोलॉजी लगा दो, उससे क्या हो जाएगा, वो चीजें साफ हो जाएंगी। ठीक है, इसमें ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि दृष्टिकोण में बदलाव लाओ। हमारे यहाँ पर एयर प्रदूषण को क्या होता है, एयर पोल्यूशन को, कि भैया जब ठंडी आ गई पर वायु प्रदूषण हो गया तो आप सोचते हैं हम क्या करें क्या करें क्या करें। अरे पहले से बनाओ रणनीति, एयर सेट्स को कम करो, है ना, उनके ग्रीन टेक्नोलॉजी लगाओ, धीरे धीरे जो है कि जो पुराने वाहन उनको खत्म करो, कोयले का प्रयोग आप कम करो। तो धीरे धीरे हमें क्या करना होगा, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी अपनाना है। अर्थात ये रिपोर्ट कहती है कि आए दिन आप, है ना, उठकर सुबह उठोगे, आज निर्णय कुछ ले लिया, कल कुछ निर्णय, ऐसे नहीं होगा। आप एक तरफ से एक रोड मैप बनाओ, उस पर काम करो, ना। अगली बात कही गई सहभागिता की जरूरत। सहभागिता का मतलब कि दक्षिण एशिया के सभी देश अपने अपने स्तर पर समस्या का समाधान करेंगे, नहीं हो पाएगा। सभी देश बैठे और हर देश का हर राज्य बैठे और हर राज्य का हर गांव के स्तर तक लोग जुड़े, अर्थात पूरा दक्षिण एशिया की पहले शिखर वार्ता हो, सभी देश सहमति बताएं कि भैया हमें वायु प्रदूषण का समाधान करना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ से अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बात करें कि भैया हमें वायु प्रदूषण पर काम करना है, हम ये करेंगे, आप वो करो, आप ये करो, ऐसे डिसाइड हो जाए। फिर हम क्या करें, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों को बैठाएं, सभी मुख्यमंत्री अपने यहाँ के DM को बैठाएं, सभी DM अपने यहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कोऑर्डिनेट करके क्या करें, एकदम बॉटम टू टॉप अप्रोच के तहत होते हुए सहयोग करें, हम भी करें, आप भी करें, सब लोग करें, तब क्या होगा, वायु प्रदूषण का समाधान होगा। चलो हम लोगों ने, अब तो ये तो था वह टॉपिक जो करंट में था, हम लोगों ने क्या किया है, वायु प्रदूषण को नियंत्रण के लिए जो प्रयास चलाए हैं वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है। यही हमारी क्लास की खासियत है, कंटेंट मिलता है आपको, सिर्फ यहाँ पर बातें नहीं होती, आपको हिंदी इंग्लिश नहीं दिखाते, कॉन्टेंट मिलता है, आप देख सकते हो। अन्य उपाय भी हमने कुछ कर रखे हैं, तो जितने उपाय हैं इनको क्या करना, आपको खुद पढ़ना होगा, इनको क्या करना होगा, खुद पढ़ना होगा। समझ पाए कि नहीं, बताइए समझ पाए कि नहीं, इसको समझ पाए कि नहीं, बताइए क्या इस टॉपिक को हम समझ पाए कि नहीं। हाँ तो समझ पाए तो सेशन को लाइक करिए, सेशन को लाइक करिए। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है INS मरमा गांव। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आज के न्यूज़पेपर में चर्चा में बना हुआ है? एक सेकंड, अब देखो क्या आज के न्यूज़पेपर में चर्चा में बना हुआ है कि नहीं। देखिए द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन नेवी, जागरण इंग्लिश, इंडियन एक्सप्रेस, हर जगह न्यूज में बना हुआ है, हर जगह न्यूज में बना हुआ है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यह है INS मरमा गांव, ठीक है। इसको क्या किया गया, कमीशन किया गया है। कमीशन करने का मतलब है यह अब अपनी सेवा देने के लिए उतर गया है। यह है क्या, INS मरमा गांव एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। मिसाइल डिस्ट्रॉयर का मतलब है कि मिसाइल को नष्ट करेगा। कैसे नष्ट करेगा, अब देखो मान लो आप सब लोग देखिए, आप यह हमारा क्षेत्र है और यहां पर देखो दक्षिण एशिया है, यहां पर आपका चीन है, ठीक है, और यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब यहां पर भी, यहां पर हर जगह चाइना की उपस्थिति है। मान लो अगर हमें पता चल जाता है कोई तनाव का माहौल है, हमें लगता है कि चाइना क्या करेगा, हम पर मिसाइल अटैक कर सकता है, कहां से कर सकता है, इधर से कहीं कर सकता है, हम क्या करेंगे, अपना यह जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है,
इसका काम क्या है, मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना या भारत की ओर आती हुई किसी भी उस चीज को नष्ट करना जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, क्षति पहुंचा सकती है, नष्ट करना है उसको। अब देखो क्या होगा कि आप हमारे पास जब मिसाइल डिस्ट्रॉयर होगा, हम ले जाकर क्या करेंगे, अंडमान निकोबार के पास इस जहाज को खड़ा कर देंगे। अगर कहीं से इधर से कोई मिसाइल आएगी, यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। स्थल वाले एरिया में तो हमने लगा रखा, एक डिस्ट्रॉयर हम यहां खड़ा कर देंगे, एक डिस्ट्रॉयर हम इधर खड़ा कर सकते हैं, इधर खड़ा कर सकते हैं। तो क्या होगा कि इधर से भी मिसाइल आएगी तो या तो स्थल से होकर आएगी, स्थल पर तो हमने डिस्ट्रॉयर लगा ही रखे हैं, इधर से आएगी तो मिसाइल हम तक पहुंचे ही नहीं, हम उसको पहले खत्म कर रहे। कैसे खत्म करेंगे, अगर हम यहां पर डिस्ट्रॉयर रखेंगे तो क्या होगा, कोई मिसाइल आएगी तो जब तक डिटेक्ट करेंगे हो सकता है यहां पर आके फट जाए। लेकिन जो हमारे पास जहाज होंगे, मिसाइल डिस्ट्रॉयर होंगे, हम जहाजों को यही खड़ा करके रखें, यहां पर दूर दूर खड़े करके रखें, तो जो भी पहले भी क्या होगा, डिस्ट्रॉयर आएगा, मिसाइल उसको डिस्ट्रॉयर पकड़ लेगा और उनको उन्हीं के क्षेत्र में मार गिराएगा। तो मिसाइल डिस्ट्रॉयर क्या करेगा, सामने आती हुई मिसाइल को भारत तक पहुंचने ही नहीं देगा, भारत के जल क्षेत्र तक, स्थल तक पहुंचने ही नहीं देगा, पहले क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ये है डिस्ट्रॉयर। और इस पर ये ऐसा नहीं सिर्फ मिसाइल लगेंगे, इस पर हेलीकॉप्टर होंगे, इस पर डिफेंस की सभी चीजें होंगे, मशीन गन से लेकर सभी इक्विपमेंट होंगे। अर्थात ये क्या करेगा, जब भी कोई युद्ध होगा तो भारतीय नेवी को बहुत मजबूती देने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आइए देखिए क्या हुआ। हाल ही में मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने द्वारा प्रोजेक्ट 15B, अभी मैं बताऊंगा प्रोजेक्ट 15B क्या है और 15A क्या है, बस यहां पर आप ध्यान दे दीजिए अभी जब तक हम आगे बढ़ते हैं, कि प्रोजेक्ट 15B के तहत क्या किया गया है, आइनस मोर्मोगांव को विकसित किया गया है। तो आइनस मोर्मोगांव क्या है, एक जो है कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी हुई है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, स्टील्थ टेक्नोलॉजी प्रयोग किया गया। ये कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, ये क्या होती है, जो लड़ाकू जो रडार होते हैं ना, रडार से बचने में सक्षम होता है। जैसे मान लो हमारा कोई भी शिप जो है कि डिस्ट्रॉयर क्या करेगा, आगे की ओर जाएगा, सामने वाला दुश्मन क्या करेगा, उसको पकड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी लगाई है जिससे वो रडार से बच जाए या रडार को चकमा दे दे। तो यह क्या है, इस टेक्नोलॉजी को इसको लगाया गया है, ठीक है, और इसको क्या कर दिया गया, भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। गांव ये जो मर्मा गांव, जो मर्मो गांव, इसका नाम क्यों रखा गया है, गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह मर्मो गांव के नाम पर रखे गए इस डिस्ट्रॉयर को गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर की पूर्व संध्या पर इंडियन नेवी में शामिल किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 19 दिसंबर को ही गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है, और जैसा कि हमने कहा इसको बनाया गया प्रोजेक्ट 15B के तहत। ये देख लीजिए क्या है, तो पिछले एक दशक में भारतीय नौसेना को कोलकाता श्रेणी, तो इससे पहले हमने कौन सी, अभी हम INS सीरीज चला रहे हैं ना, तो पहले हमने कोलकाता श्रेणी बनाया था, और इस श्रेणी के तहत 3 निर्देशित विध्वंसक INS कोलकाता हमने पहले बनाया, फिर INS कोच्चि बनाया, फिर INS चेन्नई, इन तीनों का निर्माण हमने किया प्रोजेक्ट 15A। प्रोजेक्ट 15A पुराना है, 2011 में हम लोग क्या किए, 2011 में जो हमने यह INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई जो हमने बना लिए है ना, ये हमने वॉरशिप बना लिया, तो फिर हमको लगा कि नहीं, हमें और जो हमारा वॉरशिप या युद्ध पोत है वो और अच्छा होना चाहिए। तो 2011 में हमने क्या किया, यहाँ पर 15 प्रोजेक्ट 15B को लॉन्च किया, और इसके तहत हमें क्या करना है, 4 स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। इन 4 में से क्या हुआ है, ये जो दूसरा है, ये क्या है, दूसरा है, अर्थात इससे पहले एक हो चुका है, कौन सा हो चुका है उसको देखिए। INS विशाखापत्तनम, INS विशाखापत्तनम ये भी क्या है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त है, इसको हम लोग पहले ही लॉन्च कर चुके हैं, कब, पिछले साल नवंबर 2021 में। अब हम लोगों ने INS मर्मागांव को प्रोजेक्ट 15 के तहत जिसको हम बना रहे थे, ये हमारा दूसरा स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। अब प्रश्न आएगा कि हमें तो बनाने थे 4, तो 2 और कौन से हैं, तो ये है INS सूरत और INS इम्फाल। तो आने वाले जो और 2 हमारे डिस्ट्रॉयर होंगे जो कि स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त होंगे, वह कौन से होंगे, INS सूरत, INS
और जो है इम्फाल, और एक किससे है ये प्रोजेक्ट 15B के तहत है। प्रोजेक्ट 15A के तहत मैंने बता दिया, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो हमने क्या किया, अब जो आएंगे आईएनएस सूरत और आईएनएस इम्फाल होंगे। प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्माण किए जाने वाले स्टेट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की डिजाइन और किसने के द्वारा की गई है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किसके द्वारा डिजाइन किया जा रहा, बनाया जा रहा है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया है। ये क्या है, भारतीय नौसेना का इन हाउस युद्ध पोर्ट डिजाइन, अर्थात इसमें भारतीय सेना के ही जवान, उसके जो है कि टेक्नीशियन, उसके थिंक टैंक शामिल होते हैं, इंडियन नेवी के ही लोग इसमें शामिल होते हैं, उनके द्वारा इन सभी जहाजों का निर्माण देश के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जितने भी हम डिस्ट्रॉय बना रहे हैं, जितने भी युद्धपोत बना रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी किसके पास है, मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। और इसमें भारत सरकार की क्या है, हिस्सेदारी है, और इसको डिजाइन कौन कर रहा है, व्हाट्सएप डिजाइन ब्यूरो, जिसमें इंडियन नेवी के लोग हैं। इसका निर्माण किया क्या, इसकी जो नींव है आईएनएस मोरमोगांव, जिसको अब कमीशन कर दिया गया है, इसको जून 2015 में इसकी नींव रखी गई कि इसको बनाया जाएगा। सितंबर 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री उस समय के अब जो कि स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर द्वारा इसको कहा गया था हम इसको बनाएंगे। पिछले साल ही इसने, एक साल पहले ही इसने अपना बेसिन परीक्षण पूरा कर लिया था। बेसिन परीक्षण का मतलब है कि इसको हम लोगों ने चला कर देखा तो अपनी यह इफिशियंसी से युक्त था, ठीक है। चलो आईएनएस इसकी विशेषताएं क्या है, ये 7300 टन कैरी कर सकता है। इसकी जो लंबाई है 163 मीटर और जो चौड़ाई है 17.4 मीटर है, ठीक है। यह जो अपने श्रेणी के अन्य जो जहाज हैं उनके से ज़्यादा सक्षम है। इस पर 350 लोग क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, अर्थात क्रू मेंबर से लेकर हमारे नेवी के जवान, ठीक है। चले और इसमें देखेंगे तो इसमें टोटल एक्सर कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये क्या करेगा, जो हमें जानकारी देगा अगर हमारे खिलाफ कहीं पर रासायनिक हथियारों को तैयार किया जा रहा है, परमाणु खतरा, अर्थात कोई ऐसा जो है कि इक्विपमेंट, कोई ऐसा मिसाइल, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे ओर आ रही है, उसकी तुरंत ये सूचना दे देगा। अर्थात इसके माध्यम से हम भारत पर होने वाले जैविक, रासायनिक और परमाणु सभी खतरों को हम क्या करेंगे, टाल सकते हैं। यह हमें एक जो है कि स्ट्रेटजिक रोड मैप भी बना कर दे देगा। ये बता देगा कि जैसे यह क्या करेगा, जहां पर मूव करेगा, इसका राडार सिस्टम होगा, इसकी टेक्नोलॉजी होगी, ये 10, 20, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कहां पर क्या दुश्मन है, क्या कर रहा है, किस तरह की गतिविधियां कर रहा है, उसकी सब क्या करेगा, जानकारी देता रहेगा। तो हम पता कर पाएंगे कहां पर क्या, इस पर हम क्या करेंगे, ब्राक मिसाइलें लगाएंगे, इस पर हम ब्रह्मोस भी लगाएंगे, ठीक है। इस पर जो है कि हम इस पर बहुत सा जो है कि हेलीकॉप्टर भी रखने वाले हैं, इस पर मशीन गन भी रखने वाले हैं, मतलब कुल मिलाकर पूरा ये जो वॉरशिप है, ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ साथ जो एक वॉरशिप की विशेषताएं हैं वो सबसे क्या है, संपन्न है। बंदूक है ना, मशीन गन, हेलीकॉप्टर, और साथ ही साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA जिसको बोलते हो, हेलीकॉप्टर जो कि कहीं पर दूर पर जाकर लड़ाई करके फिर आकर आराम कर सके, ये सब इस पर लगाए गए हैं, ठीक है, समझ पाए। तो ये जो टॉपिक थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, आगे अब कल बढ़ेंगे। अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि भैया हम पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको क्लास की सूचनाएं, PDF नोट्स प्राप्त होती रहे, है ना। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, आपको मेरी जितनी भी अनअकैडमी की क्लासेस हैं उनकी सूचना मिल जाएगी। दूसरा, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर भारी छूट आया हुआ है, तो देखिए इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, और चाहें तो आप टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जानकारी दे दी। जब भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, यह मेरा एजुकेटर और रेफरल कोड है, इसको जितना ध्यान से देख सकते हैं देख लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कहाँ पर, ऐप पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।